Check out the height, 3,400 meters, 11,152 feet high. Guys, just reached Narkanda. कुछ guys, I think we are almost there. बस हाँ, ये देखो जो सामने आपको रास्ता दिख रहा पतला सा, यही रास्ता यार यहाँ तो पीक के लिए. Guys, हाँ तो पीक से उतर गया था नीचे यार, वहाँ से तो आ गया था नीचे. और अभी मैं रुका हूँ कुछ खाने पीने को यार, भूख लग गई थी बहुत, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट खाया नहीं था. एक प्रोटीन बार था वो खा लिया था. तो एक ढाबा मिला, हिल टॉप ढाबा, यहाँ पे रुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए. यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद जाऊँगा अपने स्टे पे, होम स्टे पे, और वहाँ से एक ट्रैक है आई थिंक 1.5-2 घंटे का, तो वहाँ ट्रैक करूँगा मैं. और ज़रा अपनी JCB की हालत देखो यार, ये देखो यार, धूल मिट्टी से भरी पड़ी यार. अभी तो वॉश करा के लाया था वापस से, अब हालत इसकी वॉश कराने वाली हो गई है. तो दिल्ली जाके कराऊंगा वॉश, ऑप्शन है मेरे पास शिमला में, पर फिर से गंदी हो जानी है, तो अपन अब दिल्ली में कराएंगे वॉश. तो चलो वेट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट का और फिर उसके आगे मिलता हूँ. भाई ये है उस ढाबे का अंदर का सीटिंग एरिया, और बेस्ट पार्ट है इस ढाबे का, ये देखो यार, इस ढाबे से आप बाहर बालकनी में आके यहाँ बैठो और इस मस्त व्यू को खाते खाते इंजॉय करो. मैं अभी अपने होम स्टे के पास से ट्रक लिए निकल गया हूँ. ये देखो यार ट्रक का रास्ता है ये, तो इधर से अभी हमें आपको कैसे दिखाऊं, पेड़ों के बीच से पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है, काफ़ी दूर जाना है. तो देखते हैं ये रास्ता कैसा है, अकेले ही निकला हूँ ट्रैक पे. पानी वानी रख लिया है ज़्यादा, कि कहीं खो भी गया तो एटलीस्ट काम तो चल जाए. चलो उस ट्रैक पे आगे मिलता हूँ आपसे. काफ़ी पतला रास्ता बना हुआ है गाइस ट्रैक के लिए, देखो. तो भैया ने जो हमारे वहाँ के जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं उन्होंने बोला कि कहीं खो जाओ तो कॉल कर लेना, आपको गाइड कर दूंगा. बेस्ट पार्ट है यार यहाँ पे नेटवर्क पूरे हैं, तो कोई इशू नहीं है अभी. और ये अपने साथ साथ शेरू भी चल रहा है, शेरू मेरे प्रोटेक्शन के लिए साथ साथ चल रहा है भाई. पहाड़ों पे देखा मैंने कुत्ते, जहाँ भी आपको मिलेंगे ना वो आपके साथ साथ आगे चलते हैं रास्ते में, जहाँ जहाँ आप चलोगे. ये भी देखो भाई आगे चलते चल रहा है मेरे साथ, और ये सारा एप्पल ऑर्चर्ड्स है. ये जो आप नेट देख रहे हो, मैंने पूछा भैया से क्यों लगा रखा, तो इन्होंने बताया कि ओले गिरने के चांसेस होते हैं बहुत, जिससे ये जो फूल है ना जो बाद में एप्पल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये ख़राब हो जाएंगे, झड़ जाएंगे. तो ये नेट उन ओलों से इन पेड़ों को बचाता है, इसलिए सारा कवर्ड है. गाइस अपना शेरू पीछे रुक गया, आई डोंट नो ये शेरू के दोस्त हैं या दुश्मन, शेरू पहले ही रुका पड़ा है. ये आ गए शेरू को देखते, मुझे लग रहा है ये है दुश्मन पार्टी, इसलिए शेरू पहले ही रुक गया है. गाइस देखो काफ़ी एलिवेशन गेन की है, हम उधर कहीं नीचे से आ रहे हैं और वहाँ से यहाँ पहुँच गए. इधर एक और नया होम स्टे या होटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और वो देखे वहाँ भी पता नहीं होम स्टे टाइप का ही कुछ बना रहे हैं वो शायद. हाँ ऊपर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार इधर. गाइस अपडेट दे दूँ, मैं तो ऊपर चल ही रह रहा हूँ अकेले, ये भाई साहब ने मेरा साथ नहीं छोड़ा शेरू ने. शेरू ये तब से मेरे साथ चले जा रहा है, मैंने बस इसको थोड़ा सा प्यार दिखाया था बेचारा, तब से मेरे साथ साथ चल रहा है.
बेचारा हाफ भी रह रहा है, इसको पानी नहीं दे सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं बोल मेरे पास कि पानी दे पाऊँ इसे। देखते हैं कितने और आगे हैं, ये तो साथ चली जा रहा है। और ये साथ साथ देखो यार, ये पानी के पाइप्स बिछा रहे हैं तो इसलिए रास्ता खोद रखा है, और इस पाइप्स के कारण ट्रक का भी रास्ता पता चलते जा रहा है बड़ा इजीली। गाइस फाइनली मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ, इसे कनग ट्रैक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भी देख रहा हूँ जय माँ कनागेश्वरी माता का टेंपल है, तो इसलिए इसे कनक ट्रैक के नाम से यहाँ लोग जानते हैं। और ऊपर मंदिर है कनक मंदिर, और मैं आपको ज़रा मौसम दिखाता हूँ अभी बाहर का यार। एक्चुअली जस्ट चेक आउट द क्लाउड्स, ये देखो यार उधर कहीं मस्त क्लाउडी वेदर हो रखा है यार, धूप देन क्लाउडी यही चल रहा है सुबह से। आई थिंक थोड़ी मोड़ी बारिश हो सकती है, मुझे लग रहा है उधर कहीं तो बारिश हो रही है पर। और वो देखो भाई मेरा चैंपियन, वो चैंपियन देख कहाँ खड़ा है भाई, शेरू भाई मेरे साथ फुल ट्रैक पे आए 1 घंटे चलकर। बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, होपफुली ज़्यादा बारिश ना आए क्योंकि मुझे अभी नीचे भी उतरना है। चढ़ने में अराउंड मुझे 1 घंटे लग गए, तो उतरने में शायद उससे 15 मिनट कम लगे, 45 मिनट्स, क्योंकि ट्रैक मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है क्योंकि ज़्यादा स्टीप क्लाइंब नहीं है, आराम से चढ़ते जाते हो और रास्ता भी ठीक है, सही है। और आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखो पूरा ये ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड जैसा है इधर पूरा, तो मस्त आप यहाँ बैठ के पिकनिक भी कर सकते हो। मैं तो अपने साथ पानी, वो रेडबुल और एक प्रोटीन बार लेके आया था, अभी बस वही खाने वाला हूँ। आई थिंक ऊपर की साइड आपको दिखाता हूँ टू बी एग्जैक्ट, जहाँ पे वो मंदिर है अभी ऊपर जाएंगे मंदिर पे भी, यहाँ बस 10 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ उसके बाद मंदिर पे जाएंगे। यस गाइस ऊपर है मंदिर, वो देखो आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ ऊपर मंदिर है, वहाँ चलते हैं अभी, बस 10 मिनट का रेस्ट ले लूँ और फिर चल रहे हैं। नहीं आना, दिया नहीं खाया ना, भूख लग रही है ना, महक लग रही है ना, यहाँ दिया तो तुमने खाया नहीं, ये देख खा गया, भूख लगी है, खाएगा और खाएगा और खाएगा और, भूख लगी है। वैसे यहाँ भी आप देखो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से भी हिमालय थोड़े दिख रहे हैं, इधर देखो उस राइट में देखो, बिल्कुल राइट मोस्ट में, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते वरना पिक्सल्स बहुत ज़्यादा फट जाएंगे। भाई यहाँ बैठ के मस्त व्यू का मज़ा ले रहा हूँ, और मेरे साथ साथ हमारा शेरू भी देखो मस्त बैठ के व्यू का मज़ा ले रहा है। और अभी मुझे कुछ लोग और दिखे वहाँ पे, देखो कुछ लोग पहले से आए हुए थे, एक आगे वहाँ पे मंदिर पे भी कुछ लोग ऊपर पहुँचे हुए हैं। वैसे ये है मंदिर, कनगेश्वरी माता का मंदिर है ये, आई थिंक बहुत ही पुराना मंदिर है ये भी शायद। और वो देखो यार उधर वहाँ नीचे से आया हूँ मैं, बिल्कुल स्टॉप पहाड़ पर, यार लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, बारिश का डायरेक्शन आई थिंक अब उस साइड जा रहा है, देखो उधर धूप है वहाँ पे और उस साइड बादल है और इस साइड अभी भी क्लियर है, होपफुली इधर बारिश नहीं आएगी। गाइस अब मैं वापस अपने होम स्टे की तरफ हाइक करना शुरू कर दिया है, ऊपर ऑलमोस्ट आधा घंटा बैठा है, काफ़ी मस्त वेदर था यार, ऊपर से बादल इतने आ गए, अभी इधर दिखाता हूँ आपको, देखो मेरे पीछे कितना डार्क बादल है, मुझे लग रहा है बारिश ना हो जाए वरना मैं नीचे उतरने में कोई इतनी परेशानी पर, हाँ जूते पूरे गंदे हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएगी। तो और शेरू भी भाई मेरे साथ ही रहा है, ये देखो शेरू यहाँ चल रहा है अभी साथ साथ, ये देखो ये देखो शेरू खेलने लगा, शेरू को प्रोटीन बार खाते जोश आ गया है, खाकर तब से बेचारा बहुत एक्टिव हो गया है, भूखा था लगता है।
तो हाइकिंग का मैं वॉच में सेट कर लूँ कि कितने मिनट लगते हैं हमें वापस नीचे उतरने में। तो आई थिंक अब मैं आपको नीचे ही होटल पहुँच के मिलता हूँ। गाइस मैं नहाकर फ्रेश हो गया हूँ और अगर उस ट्रैक की बात करें तो काफ़ी प्यारा ट्रैक था। यहाँ से वो दिखता है वो एक्चुअली लोकेशन कहाँ पर आई डोंट नो। अब देखते हैं भाई यहाँ ऊपर उसी कहीं पीक पे है वो मंदिर जहाँ मैं गया था अभी। तो अभी मैं नहाकर फ्रेश हुआ हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ शिमला के मॉल रोड। अराउंड 1.5 घंटे दिखा रहा है क्योंकि बीच में कहीं ट्रैफिक है। प्लस अगर वो ट्रैक की बात करूँ तो इस जहाँ पर मैं रुका हूँ यहाँ से ये कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी था, 1.75 टू बी एग्जैक्ट। तो मैंने अराउंड 3.5 किलोमीटर का ट्रैक किया आज बोथ वेज। काफ़ी अच्छा ट्रैक था तो आप जा सकते हो उधर भी। गाइस मुझे लग गए 3 घंटे यार नारकंडा से यहाँ पहुँचने में। इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है वीकेंड होने के कारण एंड अभी ऊपर माल रोड पहुँचा हूँ बहुत मुश्किल से। गाड़ी पार्किंग ही अवेलेबल नहीं थी, एक जगह 300 रुपये देकर पार्क किया है और ऊपर भी ज़रा ये भीड़ देखो यार यहाँ पर। गाइस इस वक्त मैं आ गया हूँ, कुछ खाने को बहुत भूख लगी थी, ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो चुका है यार 3 घंटे ट्रैफिक में। तो ये शिमला टाइम्स करके कैफ़े है, शिमला नहीं है भाई ये शिमला टाइम्स कैफ़े। और यहाँ देखो यार भीड़ कितनी, रेटिंग भी बहुत अच्छी थी तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। तो अभी वेट है कुछ 15-20 मिनट का बता रहे हैं, उसके बाद बहुत ज़रूर की भूख लगी है फ़िलहाल तो। गाइस ये रहा मेरा पहला डिश, मैंने एक चिकन बर्गर ऑर्डर किया था। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है यार, टेस्ट का तो मैं नहीं पता। और मेरा सेकंड डिश ये रहा यार, एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है, वो बहुत ज़्यादा लग गई थी यार। तो मैं चलो जल्दी जल्दी खाता हूँ, पेट पूजा करता हूँ एंड देन आपसे आगे बात करता हूँ। गाइस इतना ज़्यादा ठूस लिया था कि मैं सोचा थोड़ा वॉक कर लूँ, तो इसलिए मैं रिज पे आ गया था, मॉल रोड पे जो ऊपर पोर्शन है जिसे रिज कहते हैं। और यहाँ पे भीड़ देखो यार, ज़्यादा नहीं है मॉडरेट है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है घूमने में। और वेदर भी सही है, काफ़ी सही बना दिया है इसको, वैसे पहले से भी अच्छा ही था पर इसको और अच्छा मेनटेन किया है इन लोगों ने अब। और वहाँ देखो अभी आपको सामने दिखाता हूँ मैं उधर वो चर्च, ये रहा वो चर्च एंड वो जो 3 इडियट्स वाली मैं बात बता रहा था आपको, मैं पहले बोला वो ये रहा, यहीं पे हुई थी शूटिंग उसकी। वैसे तो बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो यार मेरा तो बस आज का प्लान यहीं एंड हो रहा है, एक्चुअली ट्रिप यहीं पे एंड होने वाली है क्योंकि कल सुबह मैं दिल्ली के लिए वापस निकलने वाला हूँ। और अब यहाँ से निकल के मैं अपने होम से चला जाऊँगा, यहाँ से जाने मुझे शायद 45 मिनट्स लगेंगे। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देंगे ताकि जब नए वीडियोस आए तो आपको पता लग जाए। बाय बाय, टेक केयर।